वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में ट्रेंडिंग ग्लोइंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, मतलब किसी भी सॉन्ग का लिरिक्स वीडियो कैसे आप बना सकते हो कुछ इस तरह का डिजाइन में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिरिक्स वीडियो एडिट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैपकट ऐप। सो आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी वीपीएन से कनेक्ट होना पड़ता है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से कोई सा भी वीपीएन को इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास सुपर वीपीएन है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। मतलब सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से वीपीएन को इंस्टॉल करके ओपन करना है और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कैपकट को ओपन करना है। कैपकट जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और हाँ, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि कैपकट को यूज करने से पहले ही आप वीपीएन से कनेक्ट हो जाना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना और फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर जाके एक ब्लैक इमेज को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये जो ब्लैक इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये जो ब्लैक इमेज होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सीधा हो जाएगा। देन इस ब्लैक इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना और इसका ड्यूरेशन यहाँ से इंक्रीज कर देना जितना टाइम तक आप स्टेटस या फिर लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो। लाइक मैं यहाँ पे इसे 12 सेकंड तक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना होगा क्योंकि म्यूजिक का ही तो लिरिक्स हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए ऑडियो के ऊपर आपको क्लिक करना। यहाँ क्लिक करने के बाद साउंड के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस, ठीक है। फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके डिवाइस में जितना भी म्यूजिक होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। जो आप यूज़ करना चाहोगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर आपको यहाँ पे म्यूजिक खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप जस्ट यहाँ पे ये सर्च वाले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे सॉन्ग का नाम लिख देना, जैसे कि तुमसे ही दिन मेरे तुमसे ही रातें, ये वाला सॉन्ग मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो जस्ट ये लिख दिया, सॉन्ग आ गया। सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। म्यूजिक यहाँ ऐड हो चुका। अब जितना दूर तक आपने जस्ट ये ब्लैक इमेज को रखा है उतना ही दूर तक सॉन्ग को भी रखना है। तो सॉन्ग के ऊपर क्लिक करके स्प्लिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, म्यूजिक दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो चुका। अब यहाँ पे लिरिक्स लिखने के लिए आपको जस्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। फिर उसके बाद जो आपका लिरिक्स होगा उसे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और एक फॉन्ट यहाँ पे यूज करना है। ये वाला फॉन्ट आप देख सकते हो, ठीक है। बट ये वाला जो फॉन्ट होता है ना वो पहले से आपके कैपकट में नहीं रहेगा, कैपकट में आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, सो डेट कि आप समझ सको कि हाँ किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो ये वाला फॉन्ट को यहाँ ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। फिर प्लस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल मैनेजर होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन आप यहाँ पे थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना, डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना। एंड हाँ, जो फॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, दो फॉन्ट का यूज़ करेंगे। उन दोनों फॉन्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड वाले फोल्डर में आने के बाद उस फॉन्ट को जस्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये फॉन्ट ऐड हो गया, ठीक है। सेम तरीके से ये वाला फॉन्ट भी आप ऐड कर लेना। ये दो फॉन्ट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली वीडियो को एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ स्टाइल के ऊपर जाना है। और अगर कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कलर चेंज मत करना। एंड उसके बाद एनिमेशन के ऊपर डायरेक्ट आ जाना, मतलब सिर्फ आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डायरेक्ट एनिमेशन में आ जाना है। और यहाँ पे कुछ एनिमेशन आपको सेलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे एनिमेशन हैं, इनमें जो आपको अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे वेव इनको यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। एंड इसका ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से इसे कर सकते हो कंट्रोल। तो इतना रख देते हैं और डन कर देना है, ओके। अब उसके बाद जहाँ से इसे रखना चाहिए वहाँ पे आप इसे रख देना, मतलब म्यूजिक में जहाँ ये बोल रहा होगा वहाँ पे इसे आपको रख देना है। जितना दूर तक ये बोला जा रहा होगा उतना दूर तक आप इसे रख देना, लाइक यहाँ तक। तो इतना रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ स्क्रॉल करोगे तो आपको एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है और स्टाइल के ऊपर जाके ना ये टेक्स्ट को आपको हटा देना है। तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना एंड यहाँ से इसे बिल्कुल हटा के आपको कुछ इमोजी यहाँ यूज़ कर लेना है, लाइक इस टाइप का इमोजी यूज़ कर लेंगे और डन कर देना है। फिर इसे इमोजी का साइज थोड़ा छोटा करके इस कॉर्नर में आपको फिक्स कर देना है। एडजस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट लिरिक्स लिखना है, जैसे कि तुमसे ही है दिन मेरे, कुछ इस तरीके का है। तो जस्ट तुमसे ही तो हमने लिख लिया, अब उसके बाद दिन मेरे लिखना है हमें। तो फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, मीन से ऐड टेक्स्ट के ऊपर, एंड यहाँ पे नेक्स्ट लिरिक्स को लिखेंगे। बट इस बार हम फॉन्ट को सेम यूज नहीं करने वाले हैं, सो फॉन्ट के ऊपर आपको क्लिक करना और ये वाला फॉन्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लेना। ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब इसे जस्ट आपको यहाँ पे ऊपर में इस वाले कॉर्नर में रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसका कलर आपको चेंज करना है, सो स्टाइल के ऊपर जाके आप यहाँ से कलर चेंज कर लेना। लाइक मैं यहाँ पे इसे येलो रख देता हूँ और उसके बाद एनिमेशन में जाके आपको जो अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टार्टिंग वाले को ही यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और डन कर देना है, ठीक है। देन इसका भी ड्यूरेशन जितना रहना चाहिए सॉन्ग के अकॉर्डिंग उतना रख देना है। और ये हमारा फर्स्ट लिरिक्स कंप्लीट हो चुका। अब इन सभी को ना थोड़ा थोड़ा आप साइज को इंक्रीज वगैरह करके थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लाइक मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो साइज हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो आप देख सकते हो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ओके। अब नेक्स्ट लिरिक्स लिखने का तरीका बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिक तो बना लिया है। अब आप क्या करो कि इनके ऊपर ही क्लिक कर लो एंड यहाँ पे स्क्रॉल करके कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा। अब इसे आप यहाँ पे नेक्स्ट लेके आ जाना, पुट कर देना। अब नेक्स्ट लिरिक्स जो होगा उसे आप यहाँ लिख देना, जैसे कि तुमसे ही दिन मेरे, तुमसे ही रातें, ठीक है। तो तुमसे ही को तो मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे रातें लिखना है। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और आगे लेके आ जाना है। देन जहाँ से ये बोल रहा है रातें, वहाँ तक इसे हमें रख देना होगा। एंड उसके बाद इसमें दिन मेरे लिखा हुआ है तो इसे चेंज करना होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना, स्टाइल के ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे इसे चेंज कर देना है एंड उसके बाद डन कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट लिरिक्स लिख गया। अब सेम तरीके से आप यहाँ पे इमोजी को ऐड कर देना, इमोजी के ऊपर क्लिक करके जस्ट कॉपी करना है, नेक्स्ट यहाँ पे लेके आ जाना है और दूसरा इमोजी इस बार यूज़ कर सकते हो। तो स्टाइल के ऊपर जाके इसे हटा देंगे पहले एंड उसके बाद इमोजी के ऊपर जाके कोई और इमोजी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद डन कर देंगे। तो इस तरीके से जस्ट आप इन सभी को जस्ट कॉपी करते जाओ, नेक्स्ट लिरिक्स सुनते जाओ एंड चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो चेंज करते जाना, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिरिक्स लिखता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पे पूरा लिरिक्स को कंप्लीट कर लेना। मैं यहाँ पे कुछ लिरिक्स को लिख के आपको दिखा दिया हूँ एंड हाँ, इनमें कलर वगैरह चेंज करना, एनिमेशन वगैरह चेंज करना, तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर सकते हो। लाइक इसका कलर हम चेंज करते हैं, क्लिक करके स्टाइल के ऊपर जाना होगा एंड यहाँ पे स्टाइल के ऊपर जाके जो कलर रखना चाहते हो उसे आप रख सकते हो। उसके बाद जस्ट डन कर देना तो कलर चेंज हो जाएगा। एनिमेशन चेंज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेना एंड यहीं पर एनिमेशन मिल जाएगा, एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाके चेंज कर देना, ठीक है। बट ये सारे एनिमेशन अच्छे लग रहे देखने में, डेढ़ सौ में इन्हीं को रख लेता हूँ। एंड इतना कर लेने के बाद आपको जस्ट इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, ओके। तो एक्सपोर्ट करने के लिए इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। ओके, एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आपको जस्ट यहाँ पे नॉट वीडियो एडिटर को ओपन करना है, क्योंकि इसी की मदद से हम इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करने वाले हैं। सो इसे ओपन कर लेना, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो प्रीव्यू रेजुलेशन है ना, इसे 100 कर दो। इसके ऊपर क्लिक करके 100 कर देना तो जो भी इफेक्ट आप क्रिएट करो वो अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना, फिर मीडिया के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, देन ऐड कर लेना। तो आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिख रहा होगा नीचे में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना, एसएस स्टोर पे आप चले आना एंड येलो का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सारा सेटिंग मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो इंटेंसिटी बढ़ाना वगैरह है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, स्कैटरिंग वगैरह को इंक्रीज कर सकते हो, कलर चेंज करना है तो कलर के ऊपर जाके यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो ये दो पॉइंटर की मदद से, ठीक है। तो ये वाला कलर हम रख देते हैं और इंटेंसिटी को थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज़ करते हैं और स्कैटरिंग को थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्लो इफेक्ट जस्ट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्लो इफेक्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हो। ग्लो का अगर आपको कलर चेंज करना है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट ये रेड है
और ग्लो कर रहा है येलो में, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहीं पे अगर ये जो टेक्स्ट रेड है वो ग्लो भी रेड करे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्लो कलर के ऊपर क्लिक करना एंड आपको जस्ट ये प्लस का एक बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहाँ से पहले आप आ जाओ, एक और क्लिक कर दो, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट वाला है इसके ऊपर क्लिक करके कलर के ऊपर जाना एंड यहाँ से कलर को चेंज कर देना। तो आप देख सकते हो यहाँ कलर चेंज हो गया, रेड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल ग्लो इफेक्ट भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। नाउ इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और रेजुलेशन को 1080 सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना, एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप ये वीडियो को बना सकते हो। आई होप आपको हर एक स्टेप पता चल चुका है और अब आप आराम से इस टाइप की वीडियो बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।